हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। यार आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं स्टार्टिंग से आते हैं। जब मैं दुबई गई थी ना फर्स्ट टाइम, मतलब जब आपके सामने दुबई गई थी और हम वहाँ से आपके लिए कुछ वीडियोस मैं शूट करके लाई थी, तब बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि नेविगेटर के ऊपर एक वीडियो लेके आइए। तो आई थिंक उस टाइम पर हम वहाँ पर अरेंज नहीं कर पाए थे, लेकिन अब आपके लिए कार हम लेके आए हैं, ऑल न्यू लिंकन नेविगेटर। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस कार के बारे में फुल ऑन, इसके डिज़ाइनिंग, इसका एक्सटीरियर, इंटीरियर, इसका इंजन, इसकी परफॉर्मेंस, इसका कंफर्ट, एवरीथिंग वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप इसका फ्रंट प्रोफाइल देखिए, ह्यूज फ्रंट है इसका, जिसके लिए बेसिकली नेविगेटर फेमस है। यहाँ पर आपको क्रोम का यूज़ दिखाई देगा, जो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। साइड में मूव करते हैं, प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स आपको ऑफर किए जाते हैं अलॉन्ग विद द डीआरएल। नीचे के साइड में आपको टर्न इंडिकेटर दिए जाते हैं, फॉग लैंप यहाँ पर मिसिंग है, फ्रंट कैमरा आपका दिया गया है यहाँ पर, और नीचे के साइड में है पार्किंग सेंसर। बहुत बोल्ड, बहुत अग्रेसिव, बहुत मस्कुलर इसका फ्रंट लुक है, जो डेफिनेटली हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और यहाँ पर जो इसका ये हुड है ना, यहीं पर इसकी हाइट देख लीजिए, आई एम 5'5", मेरे यहाँ तक आ गई है गाड़ी। भाई कार के डायमेंशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो लेंथ है दैट इज़ अराउंड 5.2 मीटर्स, कार की जो हाइट है वो है आपकी अराउंड 2.3 मीटर्स, कार की जो ब्रॉडनेस है वो है हमारी 1.9 मीटर्स। यहाँ पे जो व्हील बेस आपको ऑफर किया जाता है वो है आपका 3.1 मीटर्स का, और जो यहाँ पे ग्राउंड क्लीयरेंस आपको दी गई है वो है हमारी 210 mm की। और साइड में जो चीज़ें आपको ऑफर की जा रही है वो है बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश इसके अलॉय व्हील्स। यहाँ पे जो प्रोफाइल यूज़ की गई है वो है आपकी 285/45R22। नेविगेटर यहाँ पे मेंशन किया गया है, ड्यूअल शेड में आपको दिए गए हैं सिल्वर एंड ब्लैक पियानो फिनिश के अंदर, एंड यस नो डाउट बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लग रहे हैं। साइड प्रोफाइल में चार चांद लगा दिए हैं इसने। स्टेप पैडल आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक है, जैसे आप डोर को ओपन करेंगे ये आपके बाहर की तरफ आ जाएंगे, जैसे आप उसे बंद करेंगे ये आपके क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत बोल्ड लेटर्स के अंदर नेविगेटर मेंशन किया गया है। बहुत ह्यूज साइज आपको ORVM मिलता है अलॉन्ग विद द टर्न इंडिकेटर। यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरे के साथ ये कार मिलती है। सिल्वर स्ट्रिप का यूज़ किया गया है अलॉन्ग द लेंथ, जो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। बॉडी कलर डोर हैंडल आपको मिलते हैं अलॉन्ग विद दिस क्रोम, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। फर्दर नीचे की तरफ आप देखेंगे ये क्रोम स्ट्रिप भी इसके डिज़ाइन को काफ़ी एनहेंस करती है। और जो हमारे स्टेप पैडल है उसके अंदर जो आपकी क्लोजिंग आप देख रहे होंगे, ये नीचे के साइड में पूरा इसके अंदर ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ किया गया है, ताकि गाड़ी अगर बंद भी है आपकी तो भी बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश आपको लुक दे। चलिए अब मूव करते हैं कार के रियर प्रोफाइल पे। यहाँ पर हम लोग सबसे ज़्यादा अमेजिंग बूट स्पेस को देखते हैं। यहाँ पर अगर आपने अपनी लास्ट रो को इस तरीके से डाउन नहीं किया, फोल्ड नहीं किया, तब भी आपके पास बहुत अच्छा खासा बूट स्पेस है। अगर आप उसको भी डाउन कर देते हैं तो बहुत ही अमेजिंग बूट स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ से आप कार का लुक देख सकते हैं। इतनी लेंथी कार है, इतनी लंबी कार है, और यहाँ से देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर आपको सीट एडजस्टमेंट दिया गया है सेकेंड रो के लिए, और ये है आपकी थर्ड रो के लिए। इस तरीके से आप अपनी सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, और जिस टाइम पर आपकी सीट, मैंने बोला कि ये वाली सीट अगर आपकी फोल्ड नहीं है, उसके बावजूद भी आपके पास काफ़ी स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा सामान अपना रख सकते हैं। और अगर आप इसको डाउन कर देंगे तो फिर उसके बाद तो फिर आपके पास इनफ बूट स्पेस है, और ये सारे कंट्रोल आपको यहीं से मिल जाते हैं। आपको कहीं भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं, यहीं से आपकी सीट्स अप हो जाएंगी, यहीं से आपकी सीट्स डाउन हो जाएंगी, सेकेंड रो भी और थर्ड रो भी। लास्ट पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पर 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, USB पोर्ट है, यहाँ पर भी आप देखेंगे आपको USB पोर्ट दिया गया है। थर्ड रो पैसेंजर भी आगे वाले पैसेंजर्स को मूव कर सकते हैं, उनको आगे और पीछे की तरफ। यहाँ पर इसका जैक एंड टूल किट प्लेस किया गया है। यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल स्टोरेज के लिए जगह दी गई है, बाकी आई थिंक नीचे इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। स्पेयर टायर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो आपको कार के नीचे दिया गया है, इट इज़ अ फुल साइज टायर एंड विदाउट अलॉयज। एग्जॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ट्विन एग्जॉस्ट स्ट्रक्चर मिलता है, और ये दोनों आपके ऑपरेशनल हैं। पावर टेल गेट यहाँ पे हमें ऑफर किया जाता है। सबसे ऊपर आप देखेंगे आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको बैक लाइट दी गई है, डिफॉगर्स आपको दिख नहीं रहे हैं लेकिन इट इज़ गिवन। ये हमारा वाइपर है, और ये पार्ट भी हमारा ओपनेबल है लाइक दिस। ओ वाओ, तो मतलब आपको इसको पूरा कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ छोटा मोटा सामान आप ऐसे भी करके रख सकते हैं और यहीं से आप निकाल सकते हैं, राइट। लिंकन यहाँ पे मेंशन किया गया है। LED टेल लैंप्स आपको बहुत ब्रॉड दिए गए हैं, बहुत स्टाइलिश दिए गए हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं टुवर्ड्स साइड,
जो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं, और ये कनेक्टेड टेल लैम्प हैं जो आपके रात के टाइम पर इल्यूमिनेट करेंगे। यहाँ पर क्रोम का यूज़ किया गया है जो काफ़ी सुंदर अपील दे रहा है। नीचे के साइड में आपका कैमरा है, पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। लोअर स्किड प्लेट में ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ किया गया है जो इन टोटल कार को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोफाइल प्रोवाइड कर रहा है। कार के रियर प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपको स्पीकर दिए गए हैं। ये हमारा ट्विटर है ऊपर के साइड में। यहाँ पर जो आपको ये सीट एडजस्टमेंट दिया गया है, ये आपका इस पैसेंजर के लिए आपको दिया गया है। इनकी सीट को आप आगे पीछे अप डाउन हर तरीके से इनको परेशान कर सकते हैं अपना कम्फर्ट मैक्सिमाइज करने के लिए। यहाँ पर अगेन आपको छोटा सा स्पेस दिया गया है, नीचे के साइड में फिर स्पेस है, छोटा सा स्पेस यहाँ है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर इसका डोर है। ये वाइट कलर में जो वुडन फिनिश है, ये आपको बहुत क्रेज़ी अपील देती है, बहुत क्रेज़ी लुक दे रही है। कार बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही है। जैसा हमारा कार का कलर है, वही सेम थीम को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है इंटीरियर में। कार के डिज़ाइनिंग की अगर हम लोग बात करें, सीट के डिज़ाइनिंग की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे गाड़ी बाहर से बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी ना, अंदर से भी बहुत ज़्यादा क्लासी दिखाई दे रही है। ओके, थैंक यू। यार ये इतनी हैवी सीट थी कि मेरे से तो खिसक भी नहीं रही थी। अब देखिए बात करते हैं पीछे के स्पेस की। तो अगर अभी तो मैंने सीट को आगे कर रखा है, अगर ये पूरी सीट आपकी आ भी जाती है यहाँ तक, तब भी आप देख सकते हैं मुझे बहुत अच्छा खासा थाई सपोर्ट मिला है। बहुत यहाँ पर हाइट अच्छे से क्रिएट की गई है ताकि कोई अगर पीछे की तरफ बैठता तो उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। बहुत ही अच्छा खासा स्पेस है आपके पास। 5'5" 5'6" हाइट तक के लोग बहुत आराम से बैठ जाएंगे। उससे लंबे अगर होंगे तो ऑब्वियसली आपके पैर थोड़े अड़ने शुरू हो जाएंगे, अदरवाइज़ इस हाइट तक का बंदा तो बहुत आराम से बैठेगा। और ये इतना मैक्सिमम आप इसको रिक्लाइन कर सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेट होके बैठना चाहते हैं तो ऐसे बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको USB पोर्ट मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर गिवन है। AC वेंट्स आपको ऊपर की तरफ दिए गए हैं। सीट बेल्ट आपको यहाँ पर दी गई है, एक ये रही। अब आगे वाले सेंटर कंसोल को देख लेते हैं, उसके लिए मैं आगे आ जाती हूँ। ये चीज़ आपको मैंने बता दी, लास्ट रो में अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पर। सिटिंग कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स मिलती है। बहुत अच्छा खासा आप अपनी सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं, लंबे ट्रैवल को बहुत अच्छे से इन्जॉय करेंगे। मेनली ये कार्स आपकी शॉफर ड्रिवन होती है तो यहाँ पर ज़्यादा कम्फर्ट का ध्यान रखा गया है। कैप्टन सीट्स आपको ऑफर की जाती है। चीज़ें क्या क्या मिलती है वो आप देख सकते हैं। यहाँ आपको मल्टीमीडिया स्क्रीन दिए गए हैं दो, जिसके अंदर आपके पास HDMI पोर्ट है, आपके पास USB पोर्ट है, और ये आपका SD कार्ड के लिए आपको पोर्ट दिया गया है। यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर दिया गया है। यहाँ पे आपके पास कुछ कंट्रोल है, जैसे आप सीट वेंटिलेशन को ऑन कर सकते हैं, मीडिया को ऑन कर सकते हैं, म्यूज़िक अपना ऑन कर सकते हैं। कुछ और फंक्शन है, जैसे आप अपना AC का टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं, अपने ब्लोअर की स्पीड को आप यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं, ब्लोअर डायरेक्शन को आप अपना चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो कंट्रोल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली आपके लंबर्ड सपोर्ट के लिए, इसको आप इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं इसकी हेल्प से। आपको दिखाई दे रहा होगा ये सबसे नीचे वाले पार्ट के लिए है, फिर ये उसके फर्दर ऊपर वाले के लिए, ये सेंटर के लिए। और सिंगल प्रेस अगर आपने एक बार किया तो वो जब तक करता रहेगा जब तक आप उसे रोकेंगे नहीं, तो यू हैव टू स्टॉप या इस तरीके से प्रेस कर दीजिए। अब आते हैं सेंटर में, आपको इंडिविजुअल पैसेंजर के लिए अलग अलग हैंड रेस्ट दिया गया है सबसे पहली चीज़। उसके बाद इसकी ओपनिंग इस तरीके से है, आप दोनों पैसेंजर इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इसे कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इसे कर सकते हैं। उसके नीचे आपके पास बहुत डीप स्टोरेज है, बहुत अच्छा खासा आपका सामान यहाँ पर आ जाएगा। वाइट वुडन फिनिश आपको अगेन मैं मेंशन करूँगी, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही है ये। पीछे के साइड में ये डिज़ाइन यूनिट दिया गया, ये ओपनेबल नहीं है। नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर भी आपको एक स्टोरेज दिया गया है, यहाँ पर भी आपका सामान आ जाएगा काफ़ी। 230 वोल्ट्स का प्लग आपको यहाँ मिल जाता है, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ दिया गया है, और ये है हमारा USB एंड टाइप सी पोर्ट। सनरूफ को आप ऑपरेट पीछे से भी कर सकते हैं, ये आपको बटन्स दिए गए हैं फॉर द कर्टन। अगर आप चाहते हैं तो आप यूज़ करिए, नहीं चाहते हैं तो आप इसे ओपन कर दीजिए। और पीछे बैठकर कार का जो लुक है वो बहुत अमेजिंग लगता है। गाड़ी इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। यहाँ पर आपको डोर हैंडल दिया गया है जो बहुत ज़्यादा यूनिक आपको लगेगा, और इसकी हेल्प से आपका डोर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जैसे आप कार का डोर ओपन करेंगे आपका स्टेप पैडल बाहर की तरफ आ जाएगा। डोर पैनल में आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास मेमोरी के 3 कंट्रोल्स हैं यहाँ पर। सीट मूवमेंट के लिए आपको ये दिया गया है। ये दोनों ऊपर के जो बटन हैं ये आपके मसाज के लिए दिए गए हैं।
फर्दर नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, चारों विंडो आपकी पावर विंडो यहाँ पर दी गई है। ये आपके पास ORVM के कंट्रोल है जो बहुत ज़्यादा इजी है, हर चीज़ बहुत क्लैरिटी से यहाँ पर शो की गई है। लॉक अनलॉक कंट्रोल ये हैं, ये आपका डोर हैंडल है, नीचे की तरफ बॉटल होल्डर के लिए जगह है, स्पेस दिया गया है, यहाँ पर भी आपको स्पेस दिया गया है। यहाँ पर आपके पास हेडलैम्प कंट्रोल्स दिए गए हैं और इस कार के अंदर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का यूज़ किया गया है। इनफैक्ट यहाँ पे फॉलो मी लाइट का भी ऑप्शन है। यहाँ पर जो आपको ये कंट्रोल दिखाई दे रहा है ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। यूजुअली क्या होता है कि जैसे आपके किसी की हाइट कम है तो अपनी सीट को हम लोग आगे पीछे करते हैं, वो ऑप्शन तो आपके पास है ही, यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट से आप वो चीज़ कर ही सकते हैं, लेकिन आप अपने इस पूरे पैनल को, अपने एक्सेलरेटर एंड ब्रेक को ही आगे की तरफ ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बटन। यहाँ से ये पीछे जा रहा है और आप उसको फॉरवर्ड लाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको फ्रंट में मूव कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके स्टीयरिंग व्हील की। आपका लेदर रैप्ड स्टीयरिंग है, जो कार का कलर है वही सेम कलर यहाँ पर यूज़ किया गया, अच्छा दिख रहा है ये। ये वाइट वुडन फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छा लुक दे रही है कार को जहाँ पर भी इसको यूज़ किया गया है, और मैक्सिमम जगह इसको यूज़ किया गया है। जैसे आप सेंटर कंसोल में देख रहे हैं, आप छोटा सा यहाँ इसका यूज़ स्टीयरिंग में देख रहे हैं, आप डोर पैनल के अंदर देख रहे हैं, डैशबोर्ड के ऊपर आप देख रहे हैं, हर जगह पर इस कलर को यूज़ किया गया है ताकि गाड़ी को बहुत अच्छा सा एक अपील मिले। यहाँ पर जो आपको कंट्रोल दिए गए हैं वो है आपके पास वॉल्यूम अप डाउन के लिए, आप ट्रैक चेंज कर सकते हैं। यहाँ नीचे के साइड आपको क्रूज कंट्रोल दिया गया है, इस कार में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का यूज़ किया गया है। हेड्सअप डिस्प्ले के लिए आपके पास यहाँ कंट्रोल है, आपको म्यूजिक ऑन करना है उसके लिए यहाँ कंट्रोल, आप देख रहे होंगे आपके जो बटन्स हैं वो दोनों तरफ मूव करते हैं, इस तरफ आपका फ़ोन, इस तरफ आपका वॉइस कमांड। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो फुल ऑन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर ऑफर किया जाता है आपको, जिसमें आपका स्पीड, आपका RPM, आप कितना किलोमीटर गए हैं, आपकी रेंज, सब चीज़ें आपको बहुत क्लियरली ये बता रहा है कि भैया टायर ट्रॉनिक्स आपका क्या है, कोई डोर आपका ओपन तो नहीं है, आपका हुड ओपन तो नहीं है, आपका बूट ओपन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत क्लियरली पता चल जाएगी। कौन से गियर में कार आपकी इस टाइम पर है वो भी आपको पता चल जाएगा, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव। इंफोटेनमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ टच के साथ आपको मिलता है। इसके अंदर आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कार से रिलेटेड, आप अपना प्रोफाइल इसमें सेट कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन को इससे कनेक्ट कर सकते हैं, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है ये वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ। नीचे के साइड में आपको बहुत स्टाइलिश एयर वेंट्स दिए गए हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है आपका यहाँ पर, 10 स्पीड ऑटोमेटिक सेलेक्ट शिफ्ट का यहाँ पर यूज़ किया गया है जो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और बिना लैगिंग का गियर शिफ्टिंग होती है। लिंकन अगर कभी किसी ने चलाई है तो इसका ड्राइव नेक्स्ट लेवल है, मैंने इसको ड्राइव करके देखा है, इनका यहाँ पे टेस्ट ड्राइव भी कोर्टयार्ड है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो उन्होंने मुझे वीडियो नहीं बनाने दिया, थोड़ा सा उन्होंने मुझे पैच ड्राइव कराया था, एंड बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ड्राइव है भैया इसकी। फर्दर नीचे मूव करेंगे, वॉल्यूम कंट्रोल आपको फिजिकल नॉब की फॉर्म में दिया गया है, ट्यून आप यहाँ से कर सकते हैं, बाकी आपके पास ये सब कंट्रोल दिए गए हैं। सीट वेंटिलेशन हीटिंग कूलिंग के साथ आपको मिल जाता है और ये आपके पास चारों पैसेंजर्स के लिए है। ट्विन कप होल्डर आपको यहाँ दिया गया है, वायरलेस चार्जर के लिए जगह आपको यहाँ मिल जाती है, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, Type-C USB पोर्ट, ड्राइव मोड्स आप यहाँ से चेंज करेंगे। इस कार में आपके पास चार ड्राइविंग मोड्स है, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट एंड स्नो। हैंडरेस्ट आपको अलग अलग दिए गए हैं और इसकी ओपनिंग है कुछ इस तरीके से, दोनों साइड से आप इसको ओपन कर सकते हैं, बहुत अच्छे खासे साइज का स्टोरेज है, बहुत डीप आपको यहाँ पे ट्रे मिलती है, इसके अंदर भी अपना सामान रख सकते हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको अंदर की तरफ दिया गया है, ऊपर की तरफ आपको पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किया गया है जिसका कंट्रोल आपको यहाँ पे है। ये सब बटन सीसी के लिए दिए गए हैं, बाकी आपके पास लाइट के लिए बटन दिए गए हैं, LED लाइट्स का यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसकी हेल्प से आप अपनी लास्ट रो की सीट्स को बेंड कर सकते हैं। इंजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको हाइड्रोलिक ओपनिंग के साथ मिलता है, इसके अंदर बहुत प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ किया गया है ताकि आपके कैबिन में कोई नॉइस ना आए। यहाँ पर आपका 3.5 लीटर V6 पेट्रोल इंजन का यूज़ किया गया है जो आपको पावर देता है 450 हॉर्स पावर, आपको टॉर्क मिल जाएगा यहाँ पर 690 न्यूटन मीटर का जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इसको क्लोज करना बड़ा आसान है, साइड से आराम से इसको क्लोज कर दीजिए लाइक दिस। फ्यूल टैंक जो यहाँ पर यूज़ किया गया है उसकी कैपेसिटी 90 लीटर है और ये कार आपको माइलेज देगी 10 KMPL की। इस कार के प्राइस की बात करें तो 90 लाख इसका प्राइस है, और जो अंदर के साइड में मैंने आपको इसके स्क्रीन दिखाए थे तो जो छोटा सा डिजिटल स्क्रीन है वो आपका 10.1 इंच का है और जो बिग साइज स्क्रीन है उसका साइज़ है 13.3 इंचेस। बाकी सेफ्टी की अगर बात करेंगे तो इस कार के अंदर 10 एयरबैग्स का यूज़ किया गया है, फ्रंट रियर में
डिस्क ब्रेक है, ट्रैक्शन कंट्रोल आपके पास है, ABS, EBD, ESP आपके पास है, ADAS लेवल 2 का यहाँ पर यूज़ किया गया है, और हर तरीके से बोलें बिल्ड क्वालिटी वाइज, लुक वाइज, फंक्शंस वाइज, हर तरीके से भैया परफॉर्मेंस, डायनेमिक्स तो अमेजिंग है। 690 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिल रहा है, तो बहुत ख़तरनाक भागने वाली है ये, और हर तरीके से अमेजिंग कार है। 90 लाख रुपये में आपको बाहर के देशों में ये गाड़ी मिल जाती है, इंडिया में अगर आएगी तो मेरे ख्याल में तो इसे 3-4-5 करोड़ तक भी ला सकते हैं ये, कोई भरोसा नहीं है।